हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप की वजह से मेरे वीडियो देखने जा रहे हैं। और मेरी मेहनत, अब जो मेहनत कर रही हूँ, तो अब मन कर रहा है कि और मेहनत करूं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, आई थिंक महविश नाम है उनका, ये जो आपको बगल वाला घर देख रहे हैं पीछे, तो यहाँ चमन भाभी टॉसुम भाभी रहती है। तो उनकी शायद नंद की बेटी है वो, और शायद महविश नाम है। तो महविश, अगर आपका नाम महविश है और अगर नहीं है तो सॉरी। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे वीडियो देखती हो, मेरे सारे ब्लॉग देखती हो, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है सुन के कि मतलब मैंने तो मतलब बिना कहीं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया और मेरे वीडियो देखते हो। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज, मौसम का देखिए, अभी मैं आई थी, धूप थी, आंख भी नहीं खुल रही थी मेरी। बाबू क्या हो गया, क्या हो गया मेरे टकलू को, क्या हो गया? वो धूप थी और अब फिर बादल हो गए हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी इतनी है कि मैं जा रही हूँ शिकंजी बनाने के लिए। नींबू रखे हैं काफी दिन हो गए, और घर पापा नींबू इसीलिए लेकर आए थे कि शिकंजी बनाना, और मैं रोज डिले कर रही थी, रोज डिले होता जा रहा था। तो फाइनली अब मैंने सोचा कि अब बनाई दूं शिकंजी। तो सीजन की पहली शिकंजी बनाने जा रही हूँ मैं। अभी तक नहीं बनाई है शिकंजी। गन्ने का रस भी पी लिया है, सब पी लिया है, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है, लेकिन शिकंजी नहीं बनी। तो अब मैं शिकंजी बनाऊंगी। बाबू शिकंजी पिए आप? क्या हो गया? इनका एक छोटा सा टॉइस आया था, किसी चीज में निकला था, तो वो टॉइस इनका खो गया है, नहीं, टूट गया है, इसलिए मायूस है। कोई बात नहीं, पापा और ले आएंगे। रुचि से ये खेल रहे थे, नहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता तो वो ले आएंगे पैकेट, उसमें से मिल जाएगा। किसमें निकला था वो मिलता, पैकेट? नहीं मिलता, नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ करेंगे पापा। अभी तो नुमाइश लगी ना, नुमाइश मिलेगी, कोई छोटा सा देख के आएंगे तो अच्छा सा। तो नहीं हमारे यहाँ लग गई है नुमाइश, और अब हम लोग वहां जाएंगे, जल्दी जाएंगे। अभी नहीं मालूम कब जाएंगे कि जल्दी जाएंगे, क्योंकि फिर बारिश हो जाती है तो फिर नहीं जा पाते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ शिकंजी बनाने के लिए। क्यों हंस रहा है ये बताओ, क्यों हंसी आ गई? नुमाइश जाएगा इसलिए? फिर अपने आप को देखिए कुछ हो रहा है। तो ठीक गाइस, मैं जा रही हूँ अब शिकंजी बनाने के लिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब शिकंजी, और शिकंजी मैं बनाऊ और मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द ना हो। शिकंजी क्या, मैं कुछ भी बनाऊ और मेरे बच्चे इर्द गिर्द ना हो तो ऐसा हो सकता है। तो शिकंजी से पहले ये देखिए, ये मेरे नींबू पहले ही आ गए दो दो यहाँ पर, और आपको दिख रहे होंगे ये टकले नींबू मेरे पहले से ही आ गए हैं देखने के लिए। हम शिकंजी बना रही हैं। इन लोगों को शिकंजी बहुत ज्यादा पसंद है, इनको इनके पप्पा को बहुत ज्यादा पसंद है, तो बड़े खुश हो रहे हैं। वैसे तो जोया को आज जुकाम है, और मेरे भी गले में दिक्कत है सुबह से, लेकिन मैं मना नहीं कर रही हूँ शिकंजी के लिए, क्योंकि दवा खा ही रहे हैं। तो शिकंजी पी के ही खाए, कम से कम शिकंजी का आराम तो ले ही ले आनंद। तो बस वही है कि शिकंजी तो पियेंगे आज, कुछ भी हो जाए, चाहे गला खराब हो, चाहे गला दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, पियेंगे। जोया भी बोली मम्मा दवा तो पी रहे हैं शिकंजी, और पी ले। तो मैंने जोया से कहा, बिल्कुल सही कहा कि दोनों बीमार हैं, दोनों दवा भी खा रहे हैं, शिकंजी पियेंगे, तो शिकंजी के लिए नींबू तैयार है। अच्छा, शिकंजी में जोया पापा को ये नहीं है कि बस नींबू का स्वाद आ जाए, थोड़े से नींबू डालो, ढेर सारे नींबू डालो, तब उनको शिकंजी का मजा आता है। खूब अच्छा सा काला नमक डलता है और खूब अच्छे से नींबू डलते हैं। तो नींबू तो आप देख सकते हैं, 4 गिलास शिकंजी के लिए कितने सारे नींबू हैं, और मैंने काउंट नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे नींबू हैं। आप देख रहे हैं तो आप अभी अभी जल्दी जल्दी काउंट कर लो आप कितने नींबू होंगे। तो नींबू उनको खूब अच्छे होना चाहिए, ये नहीं कि 4 नींबू में आपने 4 गिलास शिकंजी बना दी, बढ़िया खट्टापन हो, बढ़िया सा काला नमक का स्वाद हो, तो
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए काला नमक भी यहाँ आ गया है, और हैदर ने मुझे ढक्कन खोल के दे दिया था, और फिर मैंने उसको ढक्कन लगाया नहीं तो फैल जाए, क्योंकि शक्कर घोल रही हूँ। पहले तो सादे पानी में शक्कर घोल ली मैंने, बाद में एक गिलास अभी सादा पानी डाला है और उसमें मैंने शक्कर घोली। अब 3 गिलास फिर मैं बिल्कुल चिल्ड वाटर डालूंगी, जब शिकंजी बनाने लगूंगी शक्कर पूरी घुल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी ट्रे भी आ गई है और शक्कर पूरी तरीके से फूल गई है। तो अब बारी आई नींबू निचोड़ने की, तो अब मैं नींबू निचोड़ रही हूँ और बस मजा ही आने वाला है। बच्चे टफ से मस्त नहीं हुए, बच्चे हेल्प तो करा ही रहे थे मेरे, कोई ट्रे लेकर आ रहा है तो कोई काला नमक लेकर आ रहा है। हैदर बहुत ज्यादा हेल्प कराता है, बहुत ज्यादा सामान देता है, और जोया क्यों नहीं देती है, क्योंकि हैदर जोया को लेने देने नहीं देता है, कहता मैं दूंगा मैं दूंगा, तो इसलिए जोया को चुपचाप बैठे रहना होता है। देखिए बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, जोया को तो शिकंजी बहुत ज्यादा पसंद है। और नींबू भी काफी दिन हो गए थे आए थे, और मुझे यही लग रहा था कि जोया के पापा इतने मन से लेकर आए हैं, शिकंजी के लिए ही लाए। जब वो लाए तो बोले शिकंजी पियेंगे, और शिकंजी बन नहीं पा रही, किसी को खांसी हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा, तो मैंने कहा आज बना ही लो। और जबकि आज मेरी गले में तो दिक्कत है ही, तबीयत भी सही नहीं है, हल्का हल्का बदन भी दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बना ली। बच्चे बहुत ज्यादा खुश है, पापा तो उनके काम कर रहे हैं बाहर, आजकल घास की छटाई हो रही है तो बस वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे फ्री हैं और ना तो डेटा आ रहा है और मोबाइल भी अब नहीं देते दिन में, तो बच्चे बस खेल कूद मस्ती, और किचन में तो मेरे साथ रहते हैं, मैं कुछ भी करूँ रोटी भी बनाऊँ तो वो मेरे साथ ज्यादातर किचन में रहते हैं। तो यहाँ नींबू भी घुल गया, शक्कर भी घुल गई, और अब डालूंगी मैं इसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डालूंगी, ठंडी ठंडी लस्सी, वो सॉरी ठंडी ठंडी शिकंजी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे लस्सी याद आ गई, क्योंकि जोया पापा मेरे लिए लस्सी लेकर आते हैं, वो भी ठंडी ठंडी कुल्हड़ वाली, तो बड़ा मजा आता है लस्सी पीने में। तो आज तो सब पियेंगे, लस्सी खाली मैं ही पीती हूँ और शिकंजी सब पीते हैं। तो देखिए 1 गिलास वाटर मैंने डाल दिया था, शक्कर घोल दी थी सादे पानी में, फिर मैंने 3 गिलास चिल्ड वाटर डाला है और नींबू निचोड़ के डाले हैं, और अब डालूंगी काला नमक। काला नमक भी हल्का फुल्का नहीं, थोड़ा सा उनको ज्यादा पसंद है, इसका स्वाद बढ़िया आता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारे हैदर जी थम्स अप दिखा रहे हैं कि तैयार हो गई शिकंजी, पीने के लिए तैयार हो गई है, और अब हम इसका आनंद लेंगे। जोया पापा भी अभी कमरे में ही है, काम कर लेते हैं, थोड़ा थक जाते हैं फिर ठंडे में आ जाते हैं, फिर काम कर लेते हैं फिर कमरे में आ जाते हैं, तो सब तो सही है, लेकिन ये मेरी छन्नी खराब है, ये इससे टेढ़ा टेढ़ा पानी भागता है, तो बस वही है कि शिकंजी गिरने का डर है, इसलिए मैंने ट्रे ले ली, तो ट्रे की आवश्यकता नहीं थी, एक एक गिलास बच्चे दे आते, पापा को दे आते, बच्चे उठा लेते, लेकिन ये छन्नी थोड़ी सी गड़बड़ है ये वाली, और रखी थी लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर रखी थी, हैदर उठा नहीं पाता तो मैंने यही उठवा ली, इस वजह से मैंने ट्रे ली ताकि ये शिकंजी फैलेगी तो इसमें फैलेगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 गिलास के बाद भी थोड़ी सी बच जाती है, कैसे बच जाती है समझ में नहीं आता है, वो जो है पापा के हिस्से में आती है, फिर मैं उनको देती थी थोड़ी सी और पी लो, बस हम लोगों के लिए 1-1 गिलास काफी है। तो देखिए ठंडी ठंडी चिल्ड शिकंजी आप भी पीजिए, और हम भी पी रहे हैं, आप बनाइए घर में और ठंडी ठंडी शिकंजी पीजिए, मजेदार यम्मी। और माउथ वाटरिंग, तो जोया ने तो जो छोटी सी बची थी उसमें से 1 चम्मच टेस्ट करने का फैसला ले लिया, और सबने शिकंजी पी, बहुत ज्यादा मजा आया, आनंद लिया, ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी शिकंजी से मजा आ गया। और अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन, शाम के बर्तन धो रही हूँ मैं, तो बस सुबह से शाम तक बस यही काम रहता है, आप सारा काम करो। तो आज मैंने दोपहर में जो बर्तन थे वो धोए भी नहीं थे, आज मैंने सोचा कि अब मैं सब शाम को इकट्ठा धोऊंगी, नहीं तो अब आजकल मैं दोपहर में भी एक बार धो लेती हूँ, जब खाना ना सब लोग खा लेते हैं, तो उसके बाद शाम को, लेकिन अब शाम को मैं दोपहर में आज नहीं धोए थे, शाम को बहुत ज्यादा बर्तन निकल जाता है अगर दोपहर में ना धो, तो मैं खाना ना खा के धो देती हूँ हाल फिलहाल,
तो इतना नहीं निकलता है, और जो स्लिप साफ करी है तो वो भी गंदी गंदी सी लगती है। तो यहाँ पर हो रही है बर्तन की धुलाई, सब जगह मेरी नजर रहती है, मतलब अभी धो रही हूँ बर्तन लेकिन दिमाग दौड़ रहा है। क्या दिमाग दौड़ रहा है? कल क्या बनेगा, कल मुझे क्या क्या करना है, कल कौन सी सफाई करना है, कौन सा डिब्बा साफ करना है। तो जब बर्तन धोती हूँ तो यही दिमाग में चलता रहता है, दिमाग मेरा दौड़ता रहता है बस कि अब क्या क्या करना है। तो ये से मैं शांति से बर्तन नहीं धो रही, पूरा दिमाग चल रहा है मेरा कि अभी मुझे अभी रात में मुझे इसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सुबह मुझे कौन सा डिब्बा धोना है, कौन सा खाली करना है, यही बस दौड़ रहा है, दिमाग चल रहा है। खाने का तो मैं एक दो तीन दिन मेन्यू तैयार कर लेती हूँ जब मेरे पास चीजें अवेलेबल होती हैं, जब नहीं होती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो उसमें जो है पापा मेरी काफी हेल्प कर देते हैं, वो फिर इंतजाम करवा देते हैं कि ये बना लो वो बना लो, तो वो ही ऐसा कर देते हैं। बहुत ज्यादा काम रहता है अगर आप निकालो तो, नहीं निकालो तो कुछ नहीं है, आप लेटे रहो कोई काम नहीं होगा, लेकिन निकालो तो सब है। अब चाहती हूँ मैं बर्तन ना धो सुबह धो, लेकिन अपने ही लिए काम बढ़ाना है, सच रात में धो के सब प्लेटफॉर्म कर साफ करके रख दो, सुबह साफ सुथरा बढ़िया सा मिलता है और फिर मजा आता है कुकिंग करने में। यहाँ मैं खाली कर रही हूँ दूध, दूध से मलाई अलग छान कर निकालना पड़ती है, क्योंकि जोया के पापा बिल्कुल चाय नहीं पी सकते, अगर मलाई उसमें रहने दी और फूक फूक के दूध निकाला तो मलाई उसमें मिक्स हो जाती है हल्की फुल्की, और जो मलाई की महक आती है वो जोया के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन्हें वॉमिटिंग हो सकती है। और यहाँ मैंने रख दिया है दही जमाने के लिए, और दूध से मलाई निकाल के अलग छान के दूध फ्रिज में रख दिया है। अब आसानी से मैं उनके लिए चाय बना दूंगी, और मलाई जो निकलती है तो सब घी निकाल ही लेती हूँ। अभी मैंने कल ही घी निकाला है, और घी खूब सारा निकल आता है क्योंकि दूध अच्छा आता है, इस वजह से दूध सही नहीं आए तो फिर घी नहीं निकलता है अच्छा सा। आपसे बात करते करते काम कब बीत जाता है तो पता ही नहीं चलता है। ये कुर्ती मैंने आज ही सेफ से निकाली है, ये लखनवी कुर्ती है, मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी, और इसका दुपट्टा भी मुझे लेना है, साथ में ये ढीली बहुत है, मैं सोच रही थी बकरीद में यही पहन लूंगी, गर्मी इतनी हो रही है, और फिर मैं इसको निकाल लूंगी, क्योंकि मैंने जो नायरा सूट लिए थे वो ज्यादातर सारे मेरे खराब निकल गए, एक ग्रीन वाला बचा, उसके लिए भी मुझे नई लेगी लेना है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब मुझे और सूट निकालना पड़ेंगे, तो मैं ये मैंने निकाला ये सूट, और अभी आ गया था बेटू का कॉल क्योंकि डेटा नहीं आ रहा है, इसके बारे में बेटू पूछ रहा है, तो मैं वही बता रही हूँ बेटू को। मैं सोच रही हूँ कि अब इसको अगर नौशीन की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं इसको डाल दूँ, वो तो एक ही दिन में फिटिंग कर देगी, नहीं करेगी तो फिर देखा जाएगा, कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज ही वो मेरे घर से निकली थी, मम्मी की तरफ गई थी, तो आज बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी। सूट बहुत ढीला है, कहीं से भी नहीं हो पाएगा मैनेज कि मैं पहन लू, बहुत ज्यादा एक्सेल साइज लग रहा है और मेरे तो एक्सेल नहीं आएगा, तो इस वजह से। तो हैदर जी मुझसे कह रहे हैं कि ये आपने पिंक कलर का क्यों मंगा लिया, पिंक तो आपके पास है, और रियली मेरे पास एक पिंक है, अभी मैंने वो निकाला नहीं है, निकाल तो लिया है, उसमें वो बहुत ज्यादा गुजुल मुजुल टाइप का हो गया है, प्रेस करने में मैं बहुत आलसी हूँ और बस प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, पहन नहीं पा रही हूँ, वो हुआ तो फिर बकरीद वाले दिन फिर मैं वही वाला पहन लूंगी और उसको निकाल लूंगी, वो भी सेम यही कलर है। तो हैदर कह रहे थे मम्मा आपने क्यों लिया एक साथ, क्यों लिया, आपको नहीं लेना चाहिए ना। बना रहे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मम्मा को सूट चॉइस करवा रहा है कैसे लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, तो मैंने कहा ये लखनवी है तो ये एक मैं फिरोजी वाला पहनती, तो कह रहे तो सेम वैसी डिजाइन लग रही है, थोड़ा सा अलग लेना चाहिए था, मैंने कहा नहीं लखनवी ऐसे ही होते हैं। तो देखिए मुझसे यही बात कर रहा है वो, इसी टॉपिक पर बात कर रहा है कि आपने सेम एक जैसा कलर और एक जैसी डिजाइन क्यों ले ली। मैंने कहा कि अब ये लखनवी है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लखनवी, तो मैं इसलिए पहनूंगी इसको,
देखिए मुझसे बहस कर रहा है और मैं इसके साथ मजाक कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इसके साथ मजाक करने में। दो यार कम बोलती है, कम करती है, लेकिन हैदर मुझसे बहुत ज्यादा मजाक करता है। गाइस जो है पापा अभी तक नहीं आए हैं, सभी बर्तन धो लिए हैं, बस जो है पापा खाना खा ले तो और भी धुल जाए। ये लास्ट बार एक राउंड और मारना है, तो ये कपड़े भी धुल गए हैं। और आज बनाई थी शिकंजी, और शिकंजी बहुत ज्यादा टेस्टी यमी बनी थी, लेकिन आज अभी तक मैंने खाना, अभी तक क्या, मुझे खाना खाना ही नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मेरे गले में क्या, पूरी खाने की नली में दिक्कत हो रही है, और मुझे इतनी तेज इरिटेशन हो रही है, उलझन हो रही है, खाने की नली अलग ही मुझे फील हो रही है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। भूख तो लगी लेकिन फिर भी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब मन ही नहीं है, कुछ भी गले की नली से गुजरे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों को मोबाइल दे दिया मैंने, ये देखिए, और ये आज भी डेटा नहीं आया है, आज नहीं आया है और कल भी नहीं आया था, अब इंशाल्लाह कल आएगा। तो मोबाइल तो मैंने इन लोगों को दे दिया, और ये मेरा डेटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो आज रात को 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो मैंने कहा कि आप तो इस्तेमाल कर लो, तो अभी तो 12 बजे क्या, लोग 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे, ये लोग ऐसे है। वो आपका हो गया थोड़ा जो कर रही थी, तो कल से नहीं चला पा रहे थे ये लोग, कल सुबह से नहीं चला पा रहे थे, तो इस वजह से एक दिन मेरा भी डिले हो गया वीडियो डालने का। मैंने भी वीडियो नहीं डाली, मैं कर दे रही तो मैंने भी वीडियो नहीं डाली है, और वेट कर रही हूँ मैं आज का, आज नहीं आएगा तो फिर मैं मोबाइल रिचार्ज करा के फिर वीडियो डाल दूंगी, तो इस वजह से नहीं डाली। कपड़े भी लगभग लगभग धुल ही गए, सब काम हो गया, अब मैं जाने जगह पर बिस्तर आ रही हूँ। 9:15 बज गया और बहुत जल्दी निकले थे वो, तो किसी भी टाइम आते होंगे, तो इससे पहले कि मैं आपसे बात करते करते ये तो हटा ही दूं, ताकि मैं जल्दी से बिस्तर लगा दूं जगह पापा का। और तो और आज बनाई थी तुरई मैंने, तो बच्चों ने तुरई खाई है, साथ में कल वाली दाल थी, वो दाल मैं ऐसी बनाती हूँ बिल्कुल सांभर जैसी मूंग की दाल, तो वो आज पक पक के और टेस्ट बढ़ गया था, ये हैदर भी बता रहा था, हमने नींबू डालकर खाई थी। नींबू तो मैंने सारे खत्म कर दिए शिकंजी बनाकर, तो अब नींबू खत्म हो गए हैं। तो आज तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, मुझे एक तो हड्डी हड्डी पूरा बदन दर्द हो रहा है बुखार की वजह से, कंधे वंधे सब दर्द हो रहे हैं, दूसरा मुझे खाने की नली में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। तो अब मैं इससे ज्यादा वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी, और एक बार आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया कि आप तो हमारे वीडियो देख रहे हैं टाइम निकाल कर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, तो बाय बाय। देखिए ये बाय बाय करने आपको आ जाते हैं बराबर मेरे टकलू।